सो हेलो मेरे भाई लोग, तुम्हारा फिर न्यू ट्रेंडिंग वीडियो लेके आ चुका है। इस तरह की रील्स वीडियो इंस्टाग्राम पे मेरे भाई बहुत ही ज़्यादा इंस्टाग्राम पे ट्रेंड पे चल रही है। मेरे भाई मिलियंस पे व्यू आ रहे हैं। तो मेरे भाई इस तरह की रील्स वीडियो कैसे एडिट करना है, इस वीडियो में आपको तुम्हारा भाई आपको सब कुछ सिखाने वाला है। तो मेरे भाई पहले वीडियो देख लो, आप फिर व्यू में तो आपने प्रीव्यू में वीडियो देख लिया होगा। इस तरह की रील्स वीडियो भाई बहुत सारे बंदे बोल रहे हैं भाई इस तरह की वीडियो कैसे बनाना अपने नेम के साथ, तो इस तरह की वीडियो आपको बनाना सिखा दूंगा मेरे भाई। जो भी मटेरियल लगेगा आपको सब मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मेरे भाई स्किल बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नेम है हाईलाइट मोशन, ठीक है, जो कि आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पड़ी, लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाएगा। तो मेरे भाई आपको हाईलाइट मोशन को ओपन करना है, ठीक है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एक प्लस का आइकन, इस पे आपको क्लिक करना। मेरे भाई वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे भाई, ठीक है। और यहाँ पे आपको 9x16 रेशियो ध्यान से देख लेना, और यहाँ पे बैकग्राउंड सा कोई सभी रख लो, कोई दिक्कत नहीं। क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करते मेरे भाई, आपको ध्यान से समझना वीडियो पे, मैं जो बता रहा हूँ आपको समझना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको करना कुछ नहीं, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे मीडिया वाले ऑप्शन पे आपको जाना है, एक वीडियो आपको सेलेक्ट कर लेना, जो कि मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको ये वीडियो दे दूंगा, ठीक है। इस वीडियो को आपको सेलेक्ट कर लेना। तो सिंपली करना कुछ नहीं, वीडियो के लेयर पे क्लिक करना, और यहाँ से आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म में क्लिक करना, और यहाँ पे आपको ये रोटेट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना, और इसको कुछ इस साइड को रोटेट कर देना, ठीक है। नीचे साइड को आपको कर देना 90 पॉइंट तक माइनस, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैंने 90 पॉइंट तक माइनस इसको कर दिया। करने के बाद बैक हो जाता, बैक होने के बाद आपको क्या करना, फिर से इसी वीडियो के लेयर पर एक बार क्लिक करना। ऊपर साइड आपको देखने को मिल जाएगा 3 डॉट का ऑप्शन, उस पर क्लिक करना। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा फिल कॉम्बिनेशन एरिया, सिंपली मेरे भाई इस पर आपको क्लिक करना। ये अपने आप ऑटोमेटिकली भाई इस अपने अच्छे से एडजस्ट हो जाएगी। तो देख सकते हो कितने अच्छे से एडजस्ट हो जाएगी। एंड होने के बाद देख सकते हो, वीडियो को ध्यान से समझना मेरे भाई, ठीक है। आपको साउंड वीडियो भी लेना है तो ले सकते हो, बट इसका लेयर देख सकते हो कुछ इतना है, तो ध्यान से इसको समझ लो मेरे भाई। आपको वीडियो को क्या करना, आपको यहाँ पे मेरे भाई वीडियो पे आपको एक बार क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ये बॉक्स देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करना। एंड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा डुप्लीकेट लेयर, इस पर आपको एक बार टैप कर देना। यहाँ पे आपको 2 लेयर हो जाएंगे, ठीक है, 1 2, ठीक है। आपको करना कुछ नहीं, ध्यान से समझना, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा आपको देखना। तो यहाँ से लेयर के आपको कुछ 10 पॉइंट तक जाना है, ठीक है, 10 सेकेंड तक आपको आ जाना। तो देख सकते हो मैं 10 सेकेंड तक आ चुका हूँ, तो ध्यान से समझ लो मैं 10 सेकेंड तक आ चुका हूँ। फर्स्ट वाली आपको ऐसे फर्स्ट वाली लेयर पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस वाले ऑप्शन पे आपको टैप कर देना। तो सिंपली यहाँ से अपना ये इस वीडियो का ना जो है ना पार्ट आगे का डिलीट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा पार्ट तो वैसे भी है, बस फर्स्ट वीडियो जो मैंने डुप्लीकेट की उसका यहाँ से पार्ट आपको डिलीट हो जाएगा 10 सेकेंड के आसपास से, ठीक है। तो आपको मैंने जैसा बताया वैसा आपको देखना है। तो ध्यान से पहले 10 सेकंड पे मैं एक की मार्क लगा ले रहा हूँ यहाँ पे, ऐसी सेकंड पे यहाँ पे आपको टैप कर देना, एक रेड रेड हो जाएगा। तो देख सकते हो मैंने टैप कर दिया, तो यहाँ पे रेड रेड हो गया। तो सिंपली आपको करना कुछ नहीं, जैसे मैं 10 सेकंड तक आऊँगा रेड आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको मेरा सिंपली क्या करना, इस फर्स्ट वीडियो के लेयर पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इफेक्ट पे अपना और यहाँ पे एड इफेक्ट पे टैप करना। ऊपर साइड आपको एक सर्च बार का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना और यहाँ पे आपको सर्च कर देना WIPE, ठीक है, वाइप इफेक्ट। आपको करना कुछ नहीं, सिंपली वाइप इफेक्ट को ओपन करना और स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक कर देना, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे कुछ नहीं करना मेरे भाई, ध्यान से। मैंने स्टार्ट पे है ना, इसको आपको क्या करना, इस पर आपको टैप कर देना, इसको मेरे भाई 60 पॉइंट तक रख लेना, ठीक है। 60 पॉइंट यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, ध्यान से समझना, मैंने स्टार्ट को 60 पॉइंट तक कर दिया। नीचे जाना, यहाँ पे आपको एंगल देखने को मिलेगा, ठीक है, इस पर क्लिक करना और यहाँ पे इस पर कर देना 90 पॉइंट तक, ठीक है। सिंपली मैंने भी इसको इतना कर दिया है। फिदर वाले ऑप्शन पे आपको ध्यान से समझ लेना, इस पर क्लिक करना और इसको आपको कर देना 10 पॉइंट तक, ठीक है, यानी कि 10 पॉइंट इसको मैंने देख सकते हो 10 पॉइंट किया फिदर को, एंड एंगल को 90 पॉइंट किया, और यहाँ पे देखने को मिल जाएगा ये 60 पॉइंट स्टार्ट का, ठीक है। यहाँ पे इतना होने के बाद करना कुछ नहीं मेरे भाई, ध्यान से समझ लेना, ठीक है। इस पर मैंने इतना ही कर दिया, तो अब करना क्या है, यहाँ पे देखो मेरे भाई समझो ध्यान से। यहाँ पे आपको प्लस का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करना। एंड क्लिक करने के बाद मीडिया वाले ऑप्शन पे देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक करना। सिंपली मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक ही नहीं करना, ठीक है, सेफ पे रहना है। और यहाँ पे रहने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा टेक्स्ट का आइकन, ठीक है। सिंपली इस पर मेरे भाई आपको टैप करना। टैप करने के बाद यहाँ से अपना मतलब नेम लिख लेना, जो भी आपका नेम हो। सिंपली मैं जैसे कि अपना नेम लिख दे रहा हूँ, मेरा नेम जो भी है मैंने लिख दिया। ऊपर साइड इन 3 डॉट पर आपको एक बार टैप करना, और यहाँ से आपको देखने को मिलेगा फ्रंट का ऑप्शन, देख सकते हो
इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको एक फंड ऐड कर लेना है जो कि मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा। यहाँ से साइज वगैरह आपको बढ़ा लेनी जितनी आप करना चाहो, जैसे कि मैं इसकी कर ले रहा हूँ 30-40 पॉइंट तक मैं कर ले रहा हूँ, ठीक है। राइट वाले कॉर्नर पे ऊपर साइड क्लिक कर देता हूँ। कलर कैसे एडजस्ट करना वो मैं बाद में बता दूंगा। यहाँ पे राइट पे क्लिक कर देता हूँ, जो भी ये कलर अभी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा कलर एंड फिल, इस पर टैप करना और इस पर आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, ठीक है। और इस पर आपको करना कुछ नहीं, ये इस ब्लैक वाले कलर पर आपको क्लिक करके ये वाला कलर आपको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो इतना होने के बाद आपको करना मेरे भाई क्या है, इस लेयर पर क्लिक करना। पहले इसको एंड तक कर देता हूँ, अपने नेम को भी एंड तक कर देना। करने के बाद क्या करना, आपको अपने नेम पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस पे इफेक्ट पे जाना और एड इफेक्ट पे टैप करना। यहाँ से आपको देखने को मिलेगा ड्रेंग एक, ठीक है। इस वाली इस पे जाना और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्मूथ बेवल, ठीक है। ये वाला इफेक्ट आप मेरे भाई ध्यान से देख लो, या तो आप सर्च कर लेना स्मूथ बेवल, या तो यहाँ पे जाना, इस पे क्लिक करना एंड स्टैंडर्ड सेटिंग पे टैप कर देना मेरे भाई। स्टैंडर्ड सेटिंग करना है तो ध्यान से इसको समझ लो, इसकी रेडियंस को कितना करना आपको, इसको कर लेना। मैंने जितना किया, मैंने 12 पॉइंट तक किया था, तो आपको भी 12 पॉइंट तक कर लेना, ठीक है। तो इतना मेरे भाई होने के बाद करना क्या है, फिर से अपने नेम वाली लेयर पे क्लिक करना, बॉर्डर एंड शैडो पे जाना और यहाँ से इस वाले बॉक्स पे जाना और इसका शैडो है ना मेरे भाई, आपको क्या करना, इसका शैडो जो है इसको इनेबल कर देना, ठीक है। तो इतना मैंने कर दिया, तो आप देख सकते हो। आप क्या करना, आपको नेम वाली लेयर पे फिर से टैप करना, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में क्लिक करना और यहाँ से आपको रोटेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना और इसको ऐसे ही रोटेट कर देना, ठीक है, 90 पॉइंट तक। और सिंपली आपको इसको थोड़ा सा जूम भी कर लेना है। तो मेरे भाई जैसे कि मैंने जूम कर लिया है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो अब इस पर इफेक्ट क्या ऐड करना है, इस पर इफेक्ट कोई ऐड नहीं करना मेरे भाई, ध्यान से समझो, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करना। सिंपली इस पर अपने नेम वाले पे क्लिक करना एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म में क्लिक करना। क्लिक करने के बाद क्या करना, देखो लेयर के ऐसे कुछ आगे जाना, ठीक है। सिंपली मैं जाता हूँ 11 सेकेंड तक, ठीक है, 11 सेकेंड तक आपको जाना है। यहाँ से मैं गया 11 सेकेंड तक, ठीक है। और यहाँ से आपको क्या करना है कि यहाँ पे की देना है, ठीक है, की दे दिया। और सिंपली आपको लेयर के फर्स्ट में आना 10 सेकेंड पे, ठीक है। 10 सेकेंड पे मैं आया और यहाँ पे मैं 10 सेकेंड पे जैसे ही आया और इसको क्या करना है, यहाँ पे क्लस की दे दो, ठीक है। और इसको करना क्या है, ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। नीचे को इसको नेम को धसना, ऐसे देख सकते हो, जैसे मैंने नीचे को जाने दिया एंड नीचे इतना कुछ चला जाने दो, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल नीचे चला जाए ताकि हमें दिखाई ना दे, तो मैं अभी दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक ये आइकन, ये वाला, ठीक है, इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने बाद इसको क्या करना है, ध्यान से समझ लो, ये वाला बिंदु है ना जो इस साइड रखना है, ठीक है, इधर को। तो देखो मैं अभी कर देता हूँ, इसको इधर कर देना, ठीक है, इसको इधर कर देना और इसको भी थोड़ा सा इधर कर देना। तो देख सकते हो मैंने कुछ इसको इधर रखा और इसको इधर, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना, बैक हो जाना, ठीक है, बिल्कुल बैक होना। अब मैं थोड़ा सा आपको चला के दिखा देता हूँ, तो देख सकते हो कुछ अपना नेम ऐसे आएगा, ठीक है। तो देख लो क्या करना, नेम ऐसे आएगा। तो सिंपली अभी करना कुछ नहीं, ठीक है, अपने नेम वाली लेयर को क्या करना, ऐसे इसको नीचे करना है थोड़ा। देखो यहाँ पर क्या करना, यहाँ पे नेम के फर्स्ट में ऐसे करना, इसको नीचे कर देना, इसको बीच में कर देना। तो ध्यान से समझो, ये अपना नेम है ना जो इस लेयर के नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो देख सकते हो कुछ अपना नेम इस तरीके से आएगा। तो देख सकते हो अपना नेम कहाँ से एकदम अच्छे से बन चुका है। तो अब ध्यान से समझ लो मेरा भाई, फिर से आपको क्या करना, इस पर नेम पर क्लिक करना एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पर ध्यान से थोड़ा सा और समझ लो, एंड लेयर के ऐसे फर्स्ट में रहना, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आना और एंड यहाँ पर क्या करना, जूम वाले ऑप्शन पर आ जाना इस पर, ठीक है। इस पे आने के बाद यहाँ पे आपको एक प्लस की दे देना, ठीक है, की देना और एंड पे चले जाना। एंड पे जाने के बाद क्या करना, इसको ऐसे मतलब क्या करना आपको, इस साइड को करना है, ठीक है, इस साइड को मतलब जूम करना है, ऐसे कुछ आगे को आता जाए थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ, कुछ अपना नेम ऐसे आएगा, देखो जैसे नीचे से आएगा ना तो यहाँ को आगे साइड को आएगा थोड़ा थोड़ा। तो देख सकते हो अपना नेम कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। तो आने के बाद क्या करना, आपको कुछ करना नहीं, तो ध्यान से थोड़ा सा समझ लो, जो तितली वगैरह उड़ रही थी तो उसको भी देखो एडजस्ट करना, करना कुछ नहीं। यहाँ पे 10 सेकंड वाले पे आपको आना 10 सेकंड तक, ठीक है। तो सिंपली आपको तितली की लेयर कहाँ पे मिलेगी, ये वीडियो आपको मैं बता दूँ, मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिलेगी, उसको डाउनलोड भी कर लेना, ठीक है। तो प्लस पे जाना एंड मीडिया पे जाना, ठीक है, और सिंपली उस तितली वाले वीडियो को आपको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको देखने को मिल जाएंगी, तो वहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना। तो सिंपली मैं उसी वीडियो को अभी मैं सेलेक्ट करता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ, उस पर आपको ध्यान से समझना उस पर भी मेरे भाई। तो यहाँ से मेरी वीडियो सभी दिख नहीं रही, तो देखता हूँ कहाँ पर पड़ी हैं। सिंपली आपको उनको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ से
मेरे को वीडियो मिल चुकी तो देख सकती। ये वीडियो कुछ इस तरीके की है, जैसी भी है रहने दो ठीक है, इतनी पे आपको बीच में एडजस्ट हो जाएगी। तो सिंपली वीडियो को इस पर क्लिक करना ठीक है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे इफेक्ट पे जाना, मेरे भाई इफेक्ट पे जाने के बाद एड इफेक्ट पे जाना, और सिंपली आपको सर्च कर लेना क्रोमा की, या तो मेरे भाई सिंपली आपको यहाँ पे देखने को मिल ही जाएगा ये वाला क्रोमा की। तो इस पे इस इफेक्ट पे क्लिक करना एंड एक्सटेंड सेटिंग पे टैप कर देना ठीक है। टैप करने के बाद मेरे भाई जैसा मैं बता तो यहाँ पे ये ग्रीन स्क्रीन कलर देखेगा, इस पे क्लिक करना, और यहाँ पे ये पेंसिल वाला आइकन देखने को मिलेगा, इस पे क्लिक करना। इस पे जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे आपको एक प्लस का आइकन देखने को मिलेगा, तो सिंपली इस प्लस के आइकन को उठा के आपको ब्लैक स्क्रीन पे इधर रख देना ठीक है। तो यहाँ से आपका ब्लैक स्क्रीन है जो कि गायब हो जाएगा, तो आप देख सकते हो। तो सिंपली मेरे भाई करना कुछ नहीं, अपने देख सकते हो तितली कुछ इस तरीके से उड़ने लगी। तो सिंपली आपको तितली की लास्ट वाली लेयर को आपको क्या करना, डिलीट कर देना, यहाँ से क्लिक करना, और इसको मैं क्या करता हूँ, इसको लास्ट की लेयर को डिलीट कर देता हूँ बाकी को। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ वीडियो कुछ कुछ हमारी इस तरीके से बन के रेडी हो ये। तो मेरे भाई वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे भाई ठीक है। तो कमेंट में बताना भाई आपको वीडियो कैसी लगी, या बेकार या अच्छी। तो दिखा देता हूँ, देख सकते हो कुछ हमारी वीडियो इस तरीके से बनी है ठीक है। तो इस वीडियो को आपको सेव करने के लिए कुछ करना नहीं, सिंपली इस वाले कॉर्नर पर क्लिक करना एंड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एक्सपोर्ट का ऑप्शन, एक्सपोर्ट कर लेना ठीक है। यहाँ से अपनी वीडियो है ना जो गैलरी पे एक्सपोर्ट हो जाएगी। मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो।